हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक रिसेप्शन आई लुक। सो जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं इस आई लुक को। तो सबसे पहले मैंने अभी यूज़ किया है पिंक शेड, जो कि मैंने कट क्रीज पर अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश। देन मैं यहाँ पे इससे थोड़ा सा लाइटेस्ट शेड ले रही हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ऑन द लोअर ऑफ द कट क्रीज। एंड इस दोनों को अच्छे से हम कलर को मिक्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश। आप कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हो। मैंने अब मैक का ब्रश यूज़ किया है। सो आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना है। अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करोगे तो आपका आई लुक बहुत ज़्यादा हार्श दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। देन हम यहाँ पे फुल कट क्रीज क्रिएट करेंगे। फुल कट क्रीज क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे साइड ऑफ द आईज़ पे एक ब्लैक कलर लिया है, अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी इसे। बहुत ही ईजली और बहुत ही सॉफ्ट हैंडेड आपको ब्लेंड करना है। देन मैं फिर से यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा जो पैलेट मैं यूज़ करती हूँ वो ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। सो मेक दिस पैलेट पिगमेंटेड आई एम यूजिंग कंसीलर। एंड देन मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पिगमेंटेड स्काई ब्लू कलर को यूज़ किया है। देन नीचे आई लैशेज पे मैंने यहाँ पे अपर आई लैशेज पे एक थोड़ा सा सिल्वर एंड वाइट का मिक्सचर लेकर उसे अच्छे से ब्लेंड आउट किया है, ताकि वो बहुत अच्छा लुक दे। इसकी शॉर्ट्स जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं कमेंट कर दूँगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देख लेना। सेकेंड आई लुक में भी हम सेम करेंगे। सबसे पहले मैंने पिंक शेड लिया है, जैन हम इससे थोड़ा सा लाइटेस्ट पिंक शेड लेंगे और उसे अच्छे से लेने के बाद ब्लेंड आउट करेंगे। मैंने ऊपर में पर्पल शेड लिया है एंड उसे अच्छे से हम ब्लेंड आउट कर देंगे। दोनों को अच्छे से ब्लेंड आउट करना है आपको, ज़्यादा हार्श नहीं रखना है, मैंने पहले ही बोला था। एंड देन हम फुल कट क्रीज को क्रिएट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आपका सिमिलर होना चाहिए एज वेल एज सेकेंड आई से, वरना आपके दोनों आईज बहुत ज़्यादा डिसगस्टिंग और डिफरेंट लगेगा। दिस विल नॉट गुड। देन मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ करूँगी कॉर्नर ऑफ द आईज एंड उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी, ताकि ये हार्श ना लगे। देन मैं आईज़ के स्टार्टिंग से लेकर एंड मिडल पोर्शन तक मैं स्काई ब्लू कलर यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं स्काई कलर का एक पिगमेंटेड ग्लिटर यूज़ करूँगी, इसलिए मेरा जो स्काई कलर है वो थोड़ा ग्लिटरी ग्लिटरी लग रहा है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ अभी स्काई ब्लू कलर पुट ऑन किया है, अभी मैं यहाँ पे ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस इज़ आर आई लुक। एंड नीचे मैं फिर से सिल्वर एंड वाइट कलर का कंबाइन करके अच्छे से इसे लाइनर दे रही हूँ, ताकि हमारी आईज़ थोड़ी बड़ी लगे। एंड अगर आप इसी तरीके से वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि आपके आगे आने वाले रिलेटिव्स भी या फिर आपके फ्रेंड्स भी देख सकें अगर वो मेकअप सीखना चाहते हैं। एंड देन मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर लेकर एक लाइनर के आउटलाइनिंग करके और उसमें मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी, जितना पोर्शन में हमारा आईज थोड़ा सा लग गया था उसको मैंने रिमूव कर लिया है विद द हेल्प ऑफ रिमूवर। देन मैं यहाँ पे आईलाइनर लगाई, एक बहुत ही पतला आईलाइनर आपको लगाना है, इसको कोई भी विंग नहीं देना। एंड देन मैं यहाँ पे आईलैशेस पुट कर रही हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब।